स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर में जो टॉपिक है वो है अस्त्रा मार्क 1। ठीक है, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसका ऑर्डर सरकार ने अभी प्लेस किया है। ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर है ये हैदराबाद की एक कंपनी को दिया गया है। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये कवर होता है, जो हमारे UPSC में जो इंटरनल सिक्योरिटी आता है उसके अंडर कवर होता है, और उसके अलावा जितने भी अभी न्यू एग्ज़ाम्स निकाले हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, उस पर एक टॉपिक आता है साइंस एंड टेक। तो ये जो टॉपिक है आज का अस्त्रा मार्क 1, ये जो हमारा साइंस एंड टेक का जो पार्ट है उसमें कवर होता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन अस्त्रा 1 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप की मिसाइल है, किसने इसको डेवलप किया है, कौन सी कंपनी है जो इसको जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो चलिए आइए वही सब डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आज आप टॉपिक देख सकते हो, अस्त्रा मार्क 1 कमेंट प्लेसेस ऑर्डर फॉर द फर्स्ट इंडिजीनियसली BVR मिसाइल। BVR होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, मैं सब बताऊंगा कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कौन सी होती हैं, और ये मिसाइल एक इंडिजीनियसली डिजाइन वो है मिसाइल है, मतलब जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में होगी, और जो इसका डिज़ाइन है वो सारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है या डिज़ाइन किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने साइन किया है 2971 करोड़ की डील, किसके लिए? इंडिजीनियसली अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए। तो देखते हैं कि मतलब ये जो मिसाइल है ये उसमें क्यों है, जो हमारे न्यूज़ में क्यों है। तो देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेड ऑन ट्यूसडे दैट इज 31st of May that it has signed a contract with Hyderabad based public sector Bharat Dynamic Limited। तो ये जो कंपनी है इसका नाम आप नोट कर लो कि ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है भारत डायनेमिक लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, इसको ऑर्डर दिया गया है कि ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करेगी, और उसकी कॉस्ट टोटल कितनी आएगी 2971 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको दिया गया है, और ये जो मिसाइल्स होंगी वो डिप्लॉय की जाएंगी इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं और जो इंडियन नेवी के फाइटर जेट्स हैं उन पे। तो अभी देखते हैं अस्त्रा मार्क 1 के बारे में। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि एयर टू एयर वार करती है। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि एयर टू एयर क्या होता है। जैसे आप ये फाइटर जेट देख रहे हो ना, तो एयर टू एयर मिसाइल का मतलब ये होता है कि उसको एयर से ही फायर किया जा सकता है, और एयर से फायर करने के बाद वो जो उसका टारगेट होगा वो भी मतलब उड़ता हुआ ही टारगेट होगा, मतलब एयर टू एयर अटैक करेगी, मतलब एयर से उसको फायर किया जाएगा और एयर में ही वो अटैक करेगी। ये मतलब होता है एयर टू एयर मिसाइल का। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का मतलब ये होता है कि उसको उस रेंज तक फायर किया जा सकता है कि जो जिसको हम विजुअली देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी हाईटेक मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं अस्त्रा के बारे में कि अस्त्रा मिसाइल क्या है और इसको किसने डिजाइन किया है। तो द मिसाइल हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, जिसका मेन काम यही रहता है कि जो डिफेंस के लिए जितनी भी मतलब इंडिया में रह के जो भी डेवलपमेंट की जा सके डिफेंस से रिलेटेड वो DRDO करती है। तो उसने क्या किया है कि जो अपनी ये अस्त्रा 1 मिसाइल जो इन्होंने डिज़ाइन की है वो जो हमारे सुकोई 30 MKI और जो ये जो हमारा तेजस है ना, ये भी इंडिया में ही डिज़ाइन एंड डेवलप्ड है, और उसके अलावा जो MiG-29K है इसको यूज़ करती है जो हमारी नेवी, जो शुरू के जो दो जेट्स बताए ना मैंने सुखोई और तेजस, इसको यूज़ करती है एयरफोर्स, और जो MiG-29K है इसको यूज़ करती है नेवी। इन तीनों पे जो अस्त्रा मिसाइल है उसको डिप्लॉय किया जाएगा। अब देखते हैं कि जो BVR मिसाइल्स होती हैं उनका मतलब क्या होता है। BVR होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। अगर कोई मिसाइल 20 नॉटिकल माइल्स या फिर 37 किलोमीटर तक फायर करने की कैपेबिलिटी रखती हो तो उसको BVR मिसाइल के अंदर कंसिडर कर लिया जाता है। जो मैंने ये बात बताई ना
इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से ध्यान से लिख लो किसी साइड पे, ये जो आपका एग्जाम है इसमें ये पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा AAM यानी कि एयर टू एयर मिसाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम एयरबोर्न एसेट टू डिस्ट्रॉय एन एयरबोर्न टारगेट, जो कि मैं पिछली स्लाइड में आपको समझा के गया कि एयर टू एयर मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जिनको फायर किया जाए एयरबोर्न एसेट, मतलब एयर से ही फायर किया जाए, और जिसको डिस्ट्रॉय करना हो एयरबोर्न टारगेट को, ठीक है। और जो हमारी DODO ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि जो अस्त्रा प्रोजेक्ट था वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था अर्ली 2000s में, ठीक है, मतलब 2000 ईयर जो हमारा दशक था 2000 वाला, उसके अर्ली ईयर्स में उसको लॉन्च कर दिया गया था। 2017 के आसपास आते आते जो उसका मार्क वन थी, जो हमारी अस्त्रा मिसाइल, उसका मार्क वन वर्जन कंप्लीट हो चुका था और उसके सक्सेसफुल टेस्ट भी किए जा चुके हैं सुखोई 30 MKI से, ठीक है। और उसके अलावा जो इसकी कैपेबिलिटी है मार्क वन की वो है 110 किलोमीटर तक, मतलब 110 किलोमीटर तक वो एफिशिएंटली फायर कर सकती है। उसके अलावा इसके और वर्जन भी हैं जैसे अस्त्रा मार्क टू जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर और अभी जो कि अंडर डेवलपमेंट है। उसके अलावा मार्क थ्री वर्जन लाने की भी प्लानिंग कर रही है सरकार हमारी, और उसके अलावा DRDO भी प्लान कर रहा है कि किसी तरीके से इसको और बेहतर बनाया जा सके, और जो हमारा मार्क थ्री वर्जन होगा उसकी रेंज इनसे भी लंबी रखी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली वो 220 किलोमीटर के आसपास उसकी रेंज होगी। उसके अलावा अस्त्रा का ही एक और वर्जन लाया जा रहा है जिसका नाम भी मार्क वन रखा जाएगा, लेकिन जो उसकी रेंज होगी वो मार्क वन से कम होगी, ठीक है, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने साइन किया है ना, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। उसमें सरकार ने बोला है कि इसको ना बाय किया जाएगा इंडियन IDDM कैटेगरी में, ठीक है। IDDM का मतलब होता है इंडिजीनियसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो मिसाइल हो या कुछ भी हो, ठीक है, एक तो वो इंडिजीनियसली डिजाइंड होगा, मतलब इंडिया में ही उसको डिजाइन किया जाएगा, उसकी डेवलपमेंट भी इंडिया में ही होगी, और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी इंडिया में होगी। और उसके अलावा इसमें एक कंडीशन और रखी जाती है कि जो उसका जो 50% जो उसका कंटेंट होगा वो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड होगा, मतलब जैसे कि हम मान लो एक मिसाइल बना रहे हैं या कोई जेट बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, मेटल की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ और जो हो गए हमारे जिनको कह देते हैं वो पार्ट्स हो गए उसके, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑलमोस्ट 50% जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होनी चाहिए, या फिर ये जो मटेरियल है ऑलमोस्ट जो इसका 50% मटेरियल है वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका पार्ट था। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में सरकार ने एक बात और बोली है कि ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप तो DRDO ने की है, लेकिन वो जो इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर देंगे BDL को, यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड को, और जो भारत डायनेमिक लिमिटेड होगा वो इसकी प्रोडक्शन करेगा। अब दोनों बातों को ध्यान रखना कि जो इसको डिजाइन किया गया है या डेवलप किया गया है वो किया गया है DRDO के द्वारा, लेकिन जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो करेगा BDL, ठीक है, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये अगले 25 सालों में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से क्रिएट होगी कि अब क्योंकि इंडिया जो है वो इंडिजीनियसली डिजाइंड जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको यूज़ करने लग गया है, तो उससे क्या होगा कि उससे जो बाकी इंडस्ट्रीज होगी या दूसरे पब्लिक स्टेट अंडरटेकिंग्स होंगी उनको भी बूस्ट मिलेगा, और अब जो सरकार है उसका जो क्या कहते हैं जो फॉरेन डेफिसिट है इससे कम होगा, क्योंकि वो अब इंडिया में बनी हुई चीज़ें ही खरीदेंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। मिसाइल हैज बीन डिजाइन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर PVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एज वेल एज क्लोज कॉम्बैट एंगेजमेंट, मतलब
कि इसको क्लोज कॉम्बैट में भी यूज किया जा सकता है और बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी यूज किया जा सकता है। और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की गई है, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए थी इसको उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। उसके अलावा AAM यानी कि एयर टू एयर मिसाइल्स विद BVR कैपेबिलिटी, बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी, प्रोवाइड्स लार्ज स्टैंड ऑफ रेंज ऑफ ओन फाइटर एयरक्राफ्ट विच कैन न्यूट्रलाइज एडवर्सरी एयरबोन एसेट्स विदाउट एक्सपोजिंग देमसेल्फ। मतलब इसको मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। जैसे जैसे ये हमारी बॉर्डर लाइन है, तो हमने जैसे बालाकोट में एयर स्ट्राइक करना था तो हमें क्या करना पड़ा, हमें बालाकोट में घुस के जाके मारना पड़ा। अगर हमारे पास उस टाइम पे PVR मिसाइल्स होती या इतनी डेवलप्ड PVR मिसाइल्स होती तो हम क्या कर सकते थे कि हम अपने इंडिया के बॉर्डर में रहते रहते ही हम जो बालाकोट स्ट्राइक है उसको परफॉर्म कर सकते थे। तो जो उसका जो सिग्निफिकेंस है एक ये बन जाता है कि हमें अपने एयरक्राफ्ट हैं उनको खतरे में डालने की जरूरत नहीं होगी, हम बियॉन्ड विजुअल रेंज से भी उन पे अटैक कर सकते हैं जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट होंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो इसका सिग्निफिकेंस और बताया गया है कि ये जो मिसाइल होगी अस्त्रा Mk1, ये वर्टिकली ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है सुखोई M30 MKI-1 के साथ, और जो हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। और उसके अलावा जो नेवी यूज करती है MiG-29 के पायलट एयरक्राफ्ट, उसमें भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। जो इस क्लास के नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो हो रहा होगा और यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन है वहाँ पे भी शो हो रहा होगा। उसके अलावा हमने बहुत से कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, जो भी करंट जो एग्जाम्स निकाल रही है गवर्नमेंट उसके रिलेटेड जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे आके ले सकते हो। और उसके अलावा जो हमने ADA का कोर्स शुरू किया हुआ है उसमें मैंने आपको ये बताना था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसका जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है और उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।